इस साल सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म के मुताबिक श्रावण यानी कि सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान शिव को ये महीना अति प्रिय है। देवों के देव यानी कि महादेव की भक्ति के लिए ये महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। कहते हैं अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन पूजा में अगर शिवजी को उनकी प्रिय चीजें अर्पित की जाएं तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार की पूजा के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पूजा सामग्री में आप धतूरे का फूल भी जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव को भांग धतूरा बेहद ही प्रिय है। भगवान का पूजा करता है उसको मतलब जो भी इच्छा अपनी शक्ति होती है मनोकामना होती है वो लोग कहते हैं। और ये हम लोग शुरू से मानते आ रहे हैं कि सावन मास में एक पवित्र मास होता है और उसमें शिवजी शिवलिंग में मतलब वास करते हैं, इसकी वजह से ज्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन शिवजी का प्रिय महीना है, इसलिए इस माह उन्हें पूजा में उनकी प्रिय चीजें ही अर्पित करें। आप पूजा में शिवजी को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे कि इत्र, चंदन, केसर, अक्षत, शक्कर, गंगाजल, शहद, दही, घी और गन्ना जरूर खिलाएं। इन चीजों को चढ़ाने से महादेव की कृपा बनी रहती है। सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व है, इसे सोमवार को ज्यादा माना जाता है। सोमवार शंकर भगवान का दिन है और सोमवार को और दिन की अपेक्षा ज्यादा मानता उसकी है। सावन हिंदू धर्म का पवित्र माह माना गया है। इस माह सुबह जल्दी उठना चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शिवजी के घर या फिर मंदिर में पूजा करनी चाहिए। इस माह ज्यादा से ज्यादा शिवजी का ध्यान करें। सावन माह में पढ़ने वाले प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें। इस समय शिव मंत्र और शिव चालीसा का ही ध्यान करें। सावन में प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और मांस मदिरा से दूरी बना लेनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।